हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम लोगों ने मैथ का सिलेबस शुरू कर दिया था। नंबर सिस्टम की वीडियोस पहले पढ़ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन को शुरू कर दिया था। इसका पार्ट वन हो चुका था। पार्ट वन में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि हाउ टू मेक रेशियो। तो हाउ टू मेक रेशियो में चार कैटेगरी थी। चार कैटेगरी में से चौथी कैटेगरी जो थी वो ये थी कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिए रहते थे कि 3a इज इक्वल टू 5b, तो इसमें रेसिप्रोकल संबंध हो जाता था, व्युत्क्रम संबंध हो जाता था। और इसको अगर अनुपात में बदलना रहता था तो a के लिए 5 हो जाता था और b के लिए 3 हो जाता था। मतलब a अनुपात b जो होता था वो 5:3 बन जाता था। इसी तरीके से हमने एक दो एग्जाम्पल और ले लिए थे। जैसे मान लीजिए 8a बराबर 9b था, तो ए अनुपात बी जो बनेगा वो बन जाएगा 9:8 का। ये तो था जब केवल दो लोगों के बीच में संबंध हो, जैसे ए और बी के बीच की बात थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कह दे कि 2a बराबर 3b और फिर एक बराबर लगाए और कह दे 4c, मतलब जब अनुपात हमको तीन वैल्यू में फाइंड आउट करना हो, तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। अगर बिल्कुल शॉर्टकट ही देखना चाहो आप, तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा है। अगर ए का निकालना हो तो आप ए वाले को छिपा लो, बचा कौन, बी और सी, तो इनको कर लो गुणा आपस में। तो ये हो जाएगा 3 × 12, अनुपात लगा दो। जब हम बी का निकालेंगे तो बी वाले को हाइड कर लेंगे, और बचे कौन है, 2 और 4, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 2 × 8, फिर रेशियो लगा देंगे। अब सी का जब निकालेंगे तो सी का हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, बचा कौन है, 2 और 3, तो 2 × 3 = 6। ये हमारा अनुपात बन चुका है। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा है कि जो अनुपात होता है वो लीस्ट फॉर्म में होता है, लघुतम रूप में होता है। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी कट सकते हैं 2 से, तो इनको काट दो, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 3 = 6, बीच में लगा दो अनुपात। तो हमारा आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3। अब इसके बाद कई बार आपको ऐसा मिल जाएगा कि इसमें चार चार वैल्यूज दी रहेंगी। जो चार वैल्यू दी होंगी तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो 3a बराबर 4b बराबर 5c फिर बराबर 6b, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कैसे निकलेगा, तरीका बिल्कुल यही वाला रहेगा। आपको क्या करना है, ए का निकालना है, तो ए वाले को हम हाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो बचा हुआ है इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 4×5 = 20, 20×6 = 120, तो ये हो जाएगा 120। फिर रेशियो लगाएंगे। अब बी का निकालना है तो बी वाले को छिपा लेंगे, बचा है कौन, ये 3 बचे हुए हैं, तो 3×5 = 15 और 15×6 = 90। फिर सी का निकालेंगे तो सी वाले को हाइड कर लेंगे, बचे हैं कौन, 3 × 12, 12×72। फिर जब डी का निकालेंगे तो इसको हाइड कर लेंगे, बचे हैं कौन, 3 × 12, 12×5 = 60। अब हमको ये पता है कि जो हमारा रेशियो होता है वो लीस्ट फॉर्म में रहता है, तो ये जितना काट सकेगा इतना हम इसको काट देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये कितने से कर सकता है भाई। ये पहले तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से ही काटते हैं। पहले 2×6 = 12, 2×0 = 0, 2×8 = 19, तो 2×5 = 10, फिर 2×3 = 6 और 2×6 = 12, फिर 2×3 = 6, 2×0 = 0। ये 3 से देख लेते हैं, अगर कट जाता है तो 5×4 = 9, 3 से कट सकता है, तो 3×2 = 6, 3×0 = 0, फिर 3×1 = 3 और 3×5 = 15, फिर 3×1 = 3, 3×2 = 6 और 3×10 = 30। अब ये और कटना संभव नहीं है, तो हमारा बन गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 20:15:12:10। इस तरीके से हम तीन वैल्यू और चार वैल्यू वाले भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाउ टू कंबाइन रेशियो। अब हमको पढ़ना है हाउ टू कंबाइन रेशियो। पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। हाउ टू कंबाइन रेशियो का मतलब क्या हुआ,
हाउ टू कंबाइन रेशियो का मतलब ये हो गया कि हम अनुपात को संयुक्त रूप से लिखें। संयुक्त रूप से लिखने का मतलब ये हो गया कि हम दोनों को मिला करके लिखें। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसमें बिल्कुल ध्यान रखना कि इसमें दो से अधिक वैल्यू दी जाएगी जरूर। जैसे आपको दे दिया जाए कि ए अनुपात बी, मान लीजिए हमें दिया हुआ हो कि 2:3 है, फिर क्या होगा, दूसरा कोई अनुपात दिया रहेगा, मान लीजिए बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ हो 3:4। अब आप इन दोनों अनुपातों को देखिए, दोनों अनुपातों को हमें कंबाइन करना है, एक साथ लेना है। तो एक साथ लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जब कॉमन होगी तभी आप कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो ए अनुपात बी है वो है 2:3 और जो बी अनुपात सी है वो है 3:4। तो यहाँ पे देखिए जो बी यहाँ पे यूज हुआ है, इस बी का जो रेशियो में यहाँ पर है 3 और यहाँ भी देखिए कितना है 3। ये दोनों बराबर होना चाहिए, बी का 3 यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ भी देखो बी का कितना है 3 है। अगर ये दोनों वैल्यूज समान होंगी तभी हम इनको कंबाइन करके लिख पाएंगे, अगर नहीं समान होंगी तो हम उसको समान बनाएंगे तभी हम कंबाइन कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अब इसको अगर हमें लिखना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये बराबर हो जाएगा, ए का कितना है भाई 2 है रेशियो, बी का देख रहे हैं पहले से ही समान है तो इसमें समान करने की जरूरत हमको नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 रेशियो, और सी का हमें पता ही है कितना है 4 है। तो हमने देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को कंबाइन करके ए अनुपात बी अनुपात सी बना दिया है, जिसकी वैल्यू आ गई है 2:3:4। अब देखते हैं जब मान लीजिए वैल्यू सेम ना हो, मान लीजिए हमको दिया जाए कोई रेशियो कि ए रेशियो बी बराबर है मान लीजिए 2:3 के, लेकिन जो बी रेशियो सी हो वो बराबर हो 4:5 के। अब यहां पर देखो क्या बात है भाई, यहां पर बी जो है वो 3 है लेकिन यहां पर जो बी है वो 4 है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर तभी सकते हैं जब बी के दोनों मान दोनों जगह पर बराबर हो, मतलब यहां पर 3 है यहां पर 4 है, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो आपको सिंपल सा तरीका है, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 3 × 12 आ जाएगा। मतलब यह है कि यहां भी हमको 12 बनाना है और यहां भी हमको 12 बनाना है। तो 12 ये तब बनेगा जब इसमें गुणा हो जाए 4 से और इसमें गुणा हो जाए कितने से, 3 से। तो ये कैसे करेंगे भाई, जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा अब ए, ये क्वेश्चन था भाई ए अनुपात बी, ये हमको इसमें गुणा कितने से करना पड़ रहा है, हमको करना पड़ रहा है 4 से, तो पूरे में होगा गुणा, तो ये हो जाएगा 4×8 रेशियो 4×3=12। इसी तरीके से इसमें हमको गुणा कितने से करना पड़ जाएगा, इसमें करना पड़ जाएगा 3 से। तो ये बी रेशियो सी जो बनेगा वो बन जाएगा 3×12 रेशियो 3×5=15। अब हम देख रहे हैं कि बी का जो यहाँ पर मान है वो 12 हो गया है और यहाँ पर भी बी का मान कितना हो गया है, 12 हो गया है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अब हमारा हो जाएगा, ए का हमारा कितना है 8 है, बी का 12 है, दोनों जगह समान भी है तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे, और फिर सी का कितना है भाई, सी का है 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा आ चुका है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा वहां पर कंफ्यूज करने के लिए कि जैसे दे दिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर मान लीजिए 2:3 है और फिर बगल में दे दिया इसके बाद में कि सी अनुपात डी बराबर 5:6। अब इसको कह दे कि कंबाइन करो, मतलब कह दे इसको का संयुक्त रूप या फिर कंबाइन फॉर्म। तो इसको कंबाइन अगर करने को कहेगा तो आपके चारों विकल्प में से एक विकल्प ये दिया रहेगा कि इसको कंबाइन किया नहीं जा सकता, इसको सम्मिलित रूप में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वैल्यू कोई ना कोई एक सेम नहीं होगी वो कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो यहां पे हो जाएगा नॉट टू बी कंबाइन, ये कंबाइन नहीं हो सकते हैं, आप बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल में आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि ए इज
16 होल 2 अपॉन 3% मोर देन बी एंड बी इज 12 होल 1/2% मोर देन सी देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में फेम हो सकते हैं, तो इनको कैसे किया जाएगा हम लोग जान लेते हैं। यहां पर देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का रिलेशन सी के साथ में है, तो हम पहले दोनों को करके देखेंगे। ए इज 16:2/3%। इस परसेंट को आसानी से निकालने के लिए हमने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से हो जाएगा, तो अगर जिसको याद होगा वो आसानी से कर लेगा, अगर नहीं याद है तो फिर कर ही लिया जाएगा। किस तरीके से होगा देखो भाई, इसका पहले हम ए और बी का बना लेते हैं। तो ए रेशियो बी हमारा कैसे बनेगा भाई, ये हो जाता 16:3 48 2 50 50/3 प्रतिशत, प्रतिशत को हम फिर से बदलेंगे, बटे में 100 जाएगा, तो बन जाएगा ये ऊपर 50 था नीचे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और फिर ये नीचे 3 भी था, 2 3 6 1/6 इसका बनता था 1/6, तो ये हो जाएगा 1:6। और मोर देन लगा है, जब भी मोर देन लगा हो तो ये ध्यान रख लेना कि अगर ये 1/6 का केस बन रहा है तो मोर देन वाले में हम दोनों को जोड़ लेते थे ए के लिए, तो हो जाएगा 6:1 7, तो 7:7 और हर वाला बिल्कुल सेम वही 6 ही रहेगा, तो ए अनुपात बी हमारा बन गया है 7:6। इसी तरीके से जो बी अनुपात सी होगा वो क्या हो जाएगा, 12 2 24 1 25/2, मतलब कि प्रतिशत लगा है बटे में 100, तो 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 1/8, और 1/8 का बन रहा है और मोर देन की बात कर रहा, तो ए का जो होगा मतलब यहाँ पर जो बी का जो होगा पहले वाले का जो होगा वो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब कि ये बन जाएगा 9:8। अब हमको इन्हें कंबाइन करना है, मतलब हमें बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी। इसके लिए हमको करना क्या होगा, जो बी है इनके मान बराबर होने चाहिए, यहां पर है 6 और यहां पर है 9, तो ये कंबाइन तभी हो पाएंगे जब यहां पर सेम वैल्यू आ जाए। तो 6 और 9 का आपको ले लेना है एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमको गुणा करना होगा 3 से और इसमें करना होगा 2 से गुणा, तो हम गुणा कर देंगे भाई, ये बन जाएगा ए अनुपात बी जो होगा वो हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 7:21 / 3:18, और जो बी अनुपात सी होगा वो बन जाएगा 9 2 18 और 8 2 16। अब देखिए बी की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम हो चुकी है, अब हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ए का हो जाएगा 21, बी का हो जाएगा 18 और सी का हो जाएगा 16। अब ये लिस्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, तो लिस्ट फॉर्म यहाँ पर यह और हो नहीं सकता क्योंकि इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी ये आ जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे उनको ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार आप रीकैप देख लीजिए, चाहे तो आप पुराने वीडियो देख लो या फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो हुआ है कैसे, ये पहले जो लिखा था कि ए इज 16:2/3% मोर देन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज 16:3 48 2 50/3 और परसेंट का मतलब बटे में 100 और फिर आगे है मोर देन बी, एक केस ये था हमारा, और दूसरे वाले में क्या है कि बी कॉमा यहां पे लगा देते हैं इज 12 2 24 1 25/2 और प्रतिशत लगा है तो बटे में 100, ये भी है मोर देन सी। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 25 1 25 25 चौको 100, 50 1 50 50 2 9 100, ये बन गया ए इज ऊपर है 1 नीचे 2 3 6 मोर देन बी, इसी तरीके से बी इज ये हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा 8 1/8 मोर देन सी। अब इसका जब रेशियो निकालना होगा, जब मोर देन की बात करें तो दोनों को जोड़ के ए का बनेगा और बी का हमेशा हर वाला रहेगा डिनोमिनेटर वाला, तो ये बन जाएगा ए रेशियो बी 6/1, ये 7 और रेशियो हर का 6 ही रहेगा। इसी तरीके से बी रेशियो सी जो होगा वो बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9
और रेशियो सी का हमेशा हर वाला डिनोमिनेटर 8। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको प्राप्त किया था। अब हमको कंबाइन करना था, तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंबाइन करने के लिए हमें बी की वैल्यू को सेम करनी होती है। तो बी की वैल्यू सेम करने के लिए हम 6 और 9 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 18, और 18 आ जाएगा तो 18 बनाने के लिए हमको इस पूरे में करना होगा 3 से गुणा और इसमें करना होगा 2 से गुणा। तो ए रेशियो बी हमारा बन जाएगा 21:18 और बी रेशियो सी बन जाएगा 18:16। अब देखो बी की वैल्यू सेम हो चुकी है दोनों जगह, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो आ जाएगा 21:18:16। इस तरीके से मैंने किया हुआ था, इसलिए आपको कुछ के याद ही रखने हैं कि जो परसेंटेज इस तरीके से दिए रहते थे वो पहली वीडियो में है, आप उनको याद कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं एक और सवाल। अब जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि ए इज 11.1/9% मोर देन बी एंड बी इज 25% लेस देन सी। यहां पर मोर देन की बात कर रहा और यहां पर लेस देन की बात कर रहा, फिर कह रहा है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहां पर रेशियो कंबाइन कर रहा है लेकिन यहां पर कंडीशन दो विपरीत वाली दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम ए रेशियो बी निकालेंगे, तो ए रेशियो बी यहां पर है सॉल्यूशन। ए रेशियो बी क्या बनेगा हमारा, भाई सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे 11.99 और एक 100 बन रहा, परसेंट लगा है नीचे आ जाएगा 100, 100 कट जाएगा, 1/9 का बनेगा। यहाँ मोर देन की बात हो रही है, 1/9 अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो जब मोर की बात करें दोनों को जोड़ लेना है, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा ए के लिए हो जाएगा 10 और बी के लिए डिनोमिनेटर ही काम कर जाता है, मतलब कि 9। तो ए रेशियो बी हमारा 10:9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर बी वाला निकालना चाहें तो बी रेशियो सी जो यहाँ पर है ये लेस देन का केस कर रहा, और देखो कह रहा 25% का मतलब हो गया 1/4, 25/100 होगा, 1/4 बनेगा, लेस देन की बात कर रहा है तो जो बी का होगा जो पहले वाले का होगा वो घटा दिया जाएगा, मतलब कि अंतर लोगे तो 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3 और रेशियो और जो आखिरी वाला होता है उसका डिनोमिनेटर ही होता है, मतलब कि 4। अब इन दोनों को हमें करना है कंबाइन, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर है 9 और यहाँ पर बी की वैल्यू है 3, तो दोनों वैल्यू हमको करनी होगी सेम। जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर हम 3 से गुणा कर दे तो 9 बन जाएगा ये, तो इस वाले में हम कर देंगे पूरे में 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करने के बाद देखो ये हमारा ए अनुपात बी तो वैसे का वैसे है 10:9 और बी अनुपात सी जो है वो हमारा बन जाएगा 3×9 = 3×12। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है, अब ये कंबाइन हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो जाएगा ए है 10, बी है 9 और सी है 12। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी क्योंकि सिलेबस हमको टाइम से कंप्लीट करना है। तो धन्यवाद आपका हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।